पेश है मुमरा का आलीशान ढाबा, जहां का स्वाद आपको छू जाए और आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां पर क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। स्पेशल डिश में पाए चिकन अचारी ड्राई, चिकन हाउसिंग ड्राई, सलोनी ड्राई, हफ्सा राइस और भी लजीज पकवान, बेवरेज आइसक्रीम और फालूदा, फ्री होम डिलीवरी। इसके अलावा दस्तरखान, फैमिली रूम, वलीमा और बर्थडे सेलिब्रेशन स्पेस अवेलेबल। तो आज ही आए आलीशान फैमिली ढाबा। महेश नामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि फॉरेस्ट विभाग की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुमरा बाईपास से लड़कर अंबेडकर पाड़ा इलाका है, यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग ने जो है कार्रवाई शुरू की है। कई दिन यहाँ पर कार्रवाई की गई है। दरअसल फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों से जो समाज सेवक है राजू अंसारी, ये जाकर मुलाकात किए, क्या बातचीत हुई है और आखिर कार्रवाई जो की जा रही है क्या वजह है, क्योंकि यहाँ पर लोग कई सालों से जो है रह रहे थे अपने परिवारों के साथ। राजू भाई, आप कल फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों से मुलाकात किए, बातचीत किए, तो क्या उन लोगों ने बताया कि आखिर ये कार्रवाई जो की जा रही है क्यों की जा रही है, क्या वजह है? क्योंकि बताया जा रहा था कि करीब 20-25 साल से लोग वहाँ पर रह रहे थे। ऐसा है कि कल हम लोग ने सबसे पहले हमारे जो DFO हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, उनसे मुलाकात हुई हमारी। उसके बाद वहाँ से हम लोग आए रेंजर साहब के पास, रेंजर साहब से हमारी मुलाकात हुई, देसले साहब करके हैं, तो हमने उनसे ये कहा कि साहब अब इतने सालों से लोग रह रहे हैं वहाँ पे, तो उनके साथ कुछ रियायत बरती जाए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप तोड़ो मत, कार्रवाई करो आप, मगर जो पुराने हैं बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं तो कुछ रियायत बरती जाए। तो उनका ये कहना था कि हमारे फॉरेस्ट के रूल के हिसाब से कोई भी आदमी कितने भी साल से वहाँ पर रहे, हम उसको कभी भी रिक्लेम कर सकते हैं और उसके अंदर कोई सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, कोई उसको स्टे मिलने वाला है नहीं। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर गलती आपके लोगों की है कि आपके इलाके के अंदर कुछ लोगों ने फॉरेस्ट की ज़मीन को मालकी बता करके बेचा है, उनसे पैसा ऐंठा गया है, उनसे पैसा लिया गया है, तो ये गलत बात है। हमारी फॉरेस्ट की कोई भी ज़मीन बिकाऊ नहीं है, उसके ऊपर कोई भी घर नहीं बना सकता है, और कहीं ना कहीं हमें नेचर को बचाना पड़ेगा। हमारे इस हमारा जो नेचर है इसके साथ में अन्याय हो रहा है, इसके साथ में ऐसा हो रहा है कि मतलब ये यहाँ पर घर बनाते हैं, पेड़ पौधे काटे जाते हैं, गंदगी होती है, प्लास्टिक का यूज ज़्यादा होता है, कचरा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इन पहाड़ों के ऊपर जो हमारी ग्रीनरी से वो खतरे में है। इसकी वजह से काम किया जा रहा है, खाली मुमरा कौसा में नहीं किया जा रहा है। और उन्होंने मुझे उस दिन बताया कि हम लोगों ने उस दिन बोरेलवी नेशनल पार्क, जो SGNP है, संजय गांधी नेशनल पार्क, उस SGNP के परिसर में 2000 झोपड़े उन्होंने एक ही दिन में तोड़ दिए थे। तो हम लोग बोले ये कार्रवाई लगातार चालू रखेंगे और ये आपके लोगों से आप भी अपील करते हैं कि कोई भी उस फॉरेस्ट लैंड के अंदर ज़मीन खरीदने की कोशिश ना करे इन फ्यूचर के अंदर भी। अगर उसने खरीदता है और वो घर बनाता तो हम फिर आकर के उसको वापस तोड़ने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि एक इंसानियत के नाते मुझे ऐसा लग रहा था कि जो लोगों ने, बेचारे लोगों ने अपना एक 25 साल से अपने घर को बसाया, अपना एक बसेरा वहाँ पर, आशियान अपना वहाँ पर उन्होंने बनाया है, आज वो लोग बेघर हो गए, बिना छत के, बिना उसके, रास्ते के ऊपर सो रहे हैं, रोड के ऊपर सो रहे हैं। तो हमारे शालाम आजमी साहब को मैंने बोला था कि थोड़ा सा उनका इंतजाम कर दिया जाए, तो हम 2-4 दिन तो हम संभाल लेंगे, ठीक है, हम पानी, चाय वगैरह, बिस्किट वगैरह, दूध वगैरह हम बांट सकते हैं, मगर इसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमने उनसे यही कहा कि अगर आपके पास कोई दूसरा ठिकाना तो आप यहाँ से निकल जाएं, आप यहाँ इंतज़ार ना करें कि आप यहाँ पे वापस कुछ करने को मिलेगा, तो वापस चले जाएंगे। और फिर भी मैंने उनसे अपील कहा है सर कि ये जो काम आपने अभी किया है कि तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये तोड़ने से पहले अगर आप रोक लेते तो बहुत सारे लोगों के पैसे और उनका माल बच जाया करता था। तो उन्होंने अभी कहा कि नहीं, हम वहाँ पर एक फॉरेस्ट की चौकी बना रहे हैं और एक 55 एकड़ का वहाँ पर हम लोग एक गार्डनिंग, मतलब एक गार्डन टाइप का, जैसे सरदार तारा सिंह साहब ने बनाया है SGNP के अंदर, वैसे हम यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 55 एकड़ का गार्डन रहेगा, जिसके अंदर कोई बाउंड्री वॉल या कोई सिविल वर्क नहीं किया जाएगा, बस पेड़ पौधे लगाए जाएंगे बहुत सारे और लोगों के बैठने के लिए कुछ इंतजाम किया जाएगा आर्टिफिशियल नदी के साथ में। तो ये उनका एक प्लान है, अगर वो सैंक्शनिंग हो जाती तो वो काम वो कर देंगे। मगर फिर भी मैं अपील करूंगा हमारे मुमरा कौसा के लोगों से कि फॉरेस्ट के अंदर मेहरबानी करके हाथ जोड़ता मत करे काम। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है तो मुमरा शहर में कई जगह से है जो फॉरेस्ट की ज़मीन पर है, तो क्या और भी कुछ जानकारी दी गई है वहाँ से? कि उन्होंने कहा कि ये मुहिम जो है हमारी 3 महीने तक लगातार चलती रहेगी। कौन से इलाके हैं जहाँ पर कार्रवाई होगी मुमरा शहर में? उन्होंने वाघवा नगर के बारे में कहा, रेजी बंदर के बारे में कहा, राणा नगर के बारे में कहा, ठाकुरपाड़ा के बारे में कहा, ऊपर समरा नगर के ऊपर का हिस्सा वहाँ के बारे में कहा है, और जितनी भी पहाड़ी का जितना इलाका है इसके बारे में कहा है, हमारे भोलेनाथ नगर के बारे में कहा है, खरौली देवी मंदिर के आसपास के इलाके के बारे में कहा है, जैसे बहुत सारी जगहों के बारे में कहा कि जहाँ जहाँ पर भी, हमारे शील मापे रोड के ऊपर कहा है उन्होंने कि जहाँ जहाँ पर भी फॉरेस्ट के ऊपर कोई भी अतिक्रमण किया गया है वो हम लोग 100% हटाएंगे, उसके अंदर कोई रोक नहीं सकता है हमारे को।
कितने दिन तक ये कार्रवाई जारी रहेगी? ये कार्रवाई तो उनकी लगातार चलती रहेगी, मगर ये 3 महीने तक उनकी कार्रवाई तेज रहेगी थोड़ी सी, क्योंकि कंजर्वेटिव फॉरेस्ट नागपुर ने इनको ऑर्डर दिया हुआ है, भोपाल से उनके पास आदेश आए हुए हैं और ये काम उनको करना है और वो करेंगे। इसी तरह कहीं ना कहीं वो संरक्षण भिंत जो बाउंड्री वॉल का जो काम है वो भी वो कर रहे हैं और साथ में वो बाउंड्री का वो काम भी लोग शुरू कर देंगे इसके अंदर। जिस तरह से फॉरेस्ट विभाग की तरफ से कार्रवाई हो रही है, हालांकि अब ये जानकारी मिली कि और भी मुमरा के जो इलाके हैं वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी फॉरेस्ट विभाग की तरफ से, क्योंकि उन्हें उच्च अधिकारियों के तरफ से ये आदेश दिया गया है और उसी आदेश अनुसार जो है फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं।